नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जांगिड़। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी को गुड आफ्टरनून, सभी ऑनलाइन आ चुके हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जल्दी सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे आज नए टॉपिक के साथ। सभी को गुड आफ्टरनून, ऑनलाइन आ चुके हैं सभी। चलिए जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, उसके बाद नए टॉपिक की अपन बात करेंगे। तो भाइयों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन। कौन सा टॉपिक चल रहा था? किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन में बेसिकली अपने मेवाड़ का किसान आंदोलन और बिजोलिया का किसान आंदोलन, जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है वो कम्प्लीटली पूरा हो चुका था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उससे आपके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित? कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें, आपके समाधान किया जाएगा। आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझ में आ गया था बिजोलिया किसान आंदोलन। चलिए अब दोस्तों अपन बात करेंगे आज बेंगू किसान आंदोलन की। कि कौन से आंदोलन की बात करेंगे? बेंगू किसान आंदोलन की अपन बात करने वाले हैं। कौन से आंदोलन की बात करने वाले हैं? बेंगू किसान आंदोलन की अपन बात करने वाले हैं। बेंगू किसान आंदोलन ये भी कहां पर पड़ता है दोस्तों? मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। जैसे चित्तौड़ प्रथम श्रेणी का मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था, वैसे ही बेंगू, बेंगू अभी प्रेजेंट टाइम पर बेंगू कहां पड़ता है? चित्तौड़ में ही पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे सभी। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए अब बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन। तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन, सबसे पहले ये बात करते हैं कि बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसकी अवधि प्रारंभ हुआ था, अवधि थी 1921 में ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और कब तक? 23 तक। ठीक है, कब तक चला था? 23 तक चला था। बहुत सी बुक्स में आपने 25 देखा हो तो बिल्कुल गलत है ये। 23 में खत्म हो गया था, विजय सिंह पति की गिरफ्तारी के बाद ये खत्म हो गया था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बेंगू किसान आंदोलन ये भी क्या था? मेवाड़ रियासत का। जैसे पहले क्या होते थे? पहले जिले तो हुआ नहीं करते थे, रियासतें हुआ करते थे, आपको सभी को पता होगा। तो रियासत के एक भाग हुआ करते थे और हर एक रियासत में ठिकाने हुआ करते थे। तो ये श्रेणी के ठिकाने, जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था वो आपको याद रखना है, बिजोलिया किसान आंदोलन। बाकी और को कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। इसकी बात करेंगे मेवाड़ रियासत का। एक ठिकाना, कौन सी रियासत का? मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था बेंगू। ठीक है, अब यहां पर बात करें कि बेंगू का ठाकुर कौन था, यहां के ठिकानेदार, ठिकानेदार या ठाकुर या फिर सूबेदार, कौन हुआ करते थे? अनूप सिंह। क्या नाम था उनका? अनूप सिंह। क्या नाम था? अनूप सिंह। यहाँ का जो ठिकानेदार या ठाकुर था उनका नाम था अनूप सिंह। देखिए सुनना क्या होता है कि बेंगू किसान आंदोलन, ये भी एक किसान आंदोलन प्रारंभ हो गया था 1921 में। ये किसान आंदोलन दोस्तों प्रारंभ हुआ था 1921 में। यहां पर जो निवास करते थे, मैंने आपको जैसे पिछली बार भी बताया था, पिछले वाले क्लासों में अपन ने बताया था कि हर एक आंदोलन हुए एक जाति को लेकर, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो जाति पाई जाती थी वो भी थी धाकड़। कौन सी जाति निवास करती थी सर्वाधिक? धाकड़ जाति। अपन बात करें अगर जाति की तो कौन सी जाति निवास करती थी? धाकड़ जाति। धाकड़ जाति के किसान, धाकड़ जाति के किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर, से प्रेरित होकर लगान कर बाग बेगार
लाग बाग ना देने का, निर्णय कर आंदोलन किया। देखिए मैंने यहां पर सारी चीज लिख दी है। देखो सबसे बड़ी बात, जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था वो प्रेरित हुआ था कौन से, बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हो रहा था। बिजोलिया में 1897 से लेकर 1941 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था, जिसकी बात अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर कहीं चीजें ऐसी कनेक्ट होगी तो मैं आपको वहां से भी कनेक्ट करूंगा और यहां पर भी लेके आऊंगा, ठीक है? कोई भी आपके समस्या नहीं होने देंगे। बिजोले किसान आंदोलन में आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था 1921 में। वहां के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वहां के नेतृत्वकर्ता अगर आपसे पूछे ले बेंगू किसान आंदोलन के समय बिजोलिया के किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? विजय सिंह पथिक नेतृत्वकर्ता थे, क्योंकि समय है यहाँ पर 1921, जबकि मैंने आपको बताया था 1916 से लेकर 1927 तक बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर क्या आएगा? विजय सिंह पथिक थे। ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन एक स्थिति में एक टाइम पीरियड पर याद होने चाहिए। अब ये आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ, कौन से आंदोलन से प्रेरित होकर आंदोलन ये आंदोलन किया था यहाँ के किसानों ने? दाकर जाति के जो किसान थे, इन्होंने लाग बाग कर वगैरह लगान बेट बेगार जो ये नहीं देने का निर्णय किया, यानी कि हम भी नहीं देंगे। और जो बिजोलिया में जो आंदोलन चल रहा था उससे प्रेरित हुए और यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया? आंदोलन कर दिया। अब सुनना दोस्तों, देखो यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कि इन्होंने कर लगाए जाते थे, लगान कर वगैरह, बाट बेगार, लाग बाग और लाटा कुटा पद्धति, तो ये सब सारी चीजें मैं आपको समझा चुका था, एक बार फिर से देख लेना। यहाँ के किसान भी बहुत ज्यादा शोषण हुआ करता था, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, यानी कि बिल्कुल गरीब स्थिति में दयनीय स्थिति कर रखी थी यहाँ के ठिकानेदारों ने, अंग्रेजों ने, और यहाँ के जो महाराणा थे उन्होंने। अब अपन बात करें यहाँ पर, सुनना आराम से, एक एक चीज बता रहा हूँ। मेवाड़ आंदोलन जो बेंगू किसान आंदोलन है वो प्रारंभ होता है 1921 से 23 तक, 23 को समाप्त हो जाता है बताएंगे, और तरह पर प्रकार के कर लगाए जाते थे। बेंगू किसान आंदोलन में जो ठिकानेदार था उनके द्वारा कितने कर लगाए जाते थे? तरह पर प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिसमें से सबसे जो लागत के कर रहते थे, मतलब सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति वाले कर रहते थे लाग बाग। लाग बाग करता ये बहुत ही बेकार करता, मैंने आपको वहां पर भी बताया था और यहां पर भी मैं आपको समझा दूंगा। देखो लाग बाग जब आपको मैं बताऊंगा ना इस चीज के बारे में, तो आप खुद भी हंसोगे, बहुत ही अजीब तरह के करते हैं, यानी कि अलग तरीके से कर, महत्वपूर्ण करों में, यानी कि जो लगान लगाया जाता, लगान होता था भू राजस्व वाला कर, यानी कि आपको 1/2 उससे भी ज्यादा लगता था ये भू राजस्व, जो पूरी लगान, पूरा जो आपके जो इनकम हो रही है उसमें 1/2 हिस्सा किसका रहेगा? ठिकानेदार का, उससे भी ज्यादा रहता था, 50% से भी ज्यादा। और लाग बाग इसके अतिरिक्त कर लगाया जाता था, लगान के अतिरिक्त जो कर रहते थे उसको लाग बाग बोलते हैं। जैसे मान लो हर एक प्रकार का कर, आपने कोई नया जानवर लिया, कोई भी आपने भेड़ बकरी ली उसका कर लगा देंगे, पुत्र का जन्म हुआ उस पर कर लगा देंगे, बेटे का ब्याह कर रहे हो उसका कर लगा देंगे, बेटे का ब्याह कर रहे हो, नया ब्याह कर रहे हो, विधवा विवाह कर रहे हो, ये तो उसका भी कर लगा देंगे, नया घर बनाया उसका भी कर लगा देंगे, यानी कि हर एक चीज में कर, कर पे कर, कर पे कर, कर पे कर, चढ़ाई पे चढ़ाई ज्यादा हो रही थी। तो ये सबसे बेकार वाला कर लगता था, जिसपे किसान सबसे ज्यादा परेशान हुआ करते थे। इसके बाद अपन बात करें बाग बेगार, फालतू के कर, यानी कि जो वहां के ठिकानेदार थे वो अपने घर पर भी काम करवा देते थे किसानों से या फिर वहां की जनता से, और उनको कोई शुल्क भी नहीं दिया जाता था, यानी कि उनको खाने की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। वहां के ठाकुरों द्वारा, वहां के जो अंग्रेज अधिकारियों ने जो कर उन पे थोप रखे थे, जो इनका शोषण किया जा रहा था, इनसे सबसे ज्यादा बेकार थे ये बाग बेगार, लाग बाग, लगान कर और लाटा कुटा पद्धति, इसीलिए इनका नाम लिया जा रहा है बार बार, क्योंकि ये महत्वपूर्ण करों में से थे। सबसे ज्यादा जो बोझ जो किसानों पर आ रहा था इन करों की वजह से आ रहा था, बाकी किसान तो ये, क्योंकि आपको पता होगा जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन अपन ने पढ़े, 84 करों में से 35 कर माफ कर दिए गए, तब भी वहां पर किसान संतुष्ट हो रहे थे, यानी कि ये महत्वपूर्ण कर, यानी कि जो भारी पड़ रहे थे ये महत्वपूर्ण कर है, यानी कि इनको समाप्त कर दिया, अगर इनको समाप्त कर दिया तो वहां के किसान खुश हो जाएंगे। ऐसे करके 84 प्रकार के कर कहाँ पर लगाए जा रहे थे, कहां पर लगाए जा रहे थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में, यानी कि बिजोलिया में जो कर थे वो 84 प्रकार, यहाँ पर भी 53 प्रकार के कर लगा रहे थे। 53 के अलावा एक और करता जो 54 प्रकार के करते, लगभग 54 प्रकार के, आपसे यहाँ पर नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 54 प्रकार के कर या 53 प्रकार के कर लिए जाते थे। इसके बाद मैंने आपको बाग बेगार के बारे में बात कर रहे थे, बाग बेगार यानी कि फालतू से कर लिए जाते थे, कोई भी काम करवा देते,
बिना यानी कि निःशुल्क मजदूरी कर रहा था एक तरह से। बेटा हुआ आदमी था, उससे कोई भी काम करवा लिया, आजा मेरे खेत में, ठाकुर ने बोला उस खेत में आजा ये काम कर दे, दिन भर वहां मजदूरी करेगा, 10 दिन तक, महीने भर तक मजदूरी करेगा और उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि बहुत दयनीय स्थिति, बहुत गरीब स्थिति में आ गया था किसान, खाने तक की रोटी नसीब नहीं हो रही थी, इसीलिए ये आंदोलन किए जा रहे थे। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन चल रहा था एक तरफ, और एक तरफ बेंगू के किसान भी परेशान थे। बेंगू क्या है, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था, और आपको पता होगा बेंगू के बारे में बात करते हैं, बेंगू एक ठिकाना हुआ करता था मेवाड़ रियासत का। जो मेवाड़ रियासत है यानी मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने जगह दी थी राव चूड़ा, यानी कि आपको पता होगा जो राणा चूड़ा थे, जो युवराज थे, आपको पता होगा वो हंसाबाई वाला मैटर, हंसाबाई इलाका का विवाह हो जाता है, फिर मोकल जो है वहां का राजा बनता है, और चूड़ा जो भीष्म कहलाते हैं कहाँ के, मेवाड़ के, तो उनको जागीर प्रदान की जाती है इनके द्वारा, लाका के द्वारा, हंसाबाई के द्वारा, तो उनको 4 जागीरें दी जाती थी, देवगढ़ दी गई थी, सलूम्बर वाली दी गई थी, इसमें से एक बेंगू भी थी। तो ये बेंगू जो यहाँ पर जो राजाओं ने यहाँ पर जो वंश ने शासन किया था वो चूड़ावत वंश था। कौन सा वंश था, चूड़ावत। और आपको पता होगा जो राव चूड़ा, जो रतन चूड़ावत थे, कौन से, क्या नाम बताया मैंने, रतन चूड़ावत, ये वही राव चूड़ा के वंशज थे। किसके, राव चूड़ा के वंशज थे, जिन्होंने ये जब युद्ध भूमि में जा रहे थे, रणभूमि में जा रहे थे, तो हाडा रानी ने, इनकी जो रानी थी हाडी रानी, उन्होंने अपना सर काट के दे दिया था ताकि इनको याद ना आए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं आपको वहां पर युद्ध रणभूमि में जा रहा हूं, मैं आपको बहुत मिस करूंगा, मुझे याद आएगी मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पर, अभी नई नई शादी हुई है, मेरे साथ कुछ हो गया तो हाडी रानी ने अपनी गर्दन काट के दे दी थी कि ये निशाने ले जाओ और मेरी याद आए तो इसको देख लेना। ये ऐसी वीरांगना भी हुई अपने राजस्थान में, जिनका इतिहास आपने पढ़ा हुआ है, जब भी ऐसी बातें आएंगी तो जबरदस्त तरीके से इनको फेस की जाती है। ठीक है, वीर गति के लिए जाना जाता है पूरा राजस्थान, और मेवाड़ जो है आपको पता होगा, मेवाड़ जो रियासत है ये सबसे ज्यादा वीर भूमि के लिए जानी जाती है, यानी कि जबरदस्त इतिहास रहा है मेवाड़ का बाकी अलग रियासतों से। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। बेंगू किसान आंदोलन में मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती है बेंगू किसान आंदोलन में जो पूछी जाती है, जैसे आपसे पूछेंगे कि बोल्सेविक का वो जो है वो संघ बिठाया गया था, वो कहाँ बिठाया गया था, यहाँ बिठाया गया था। ट्रेंच आयोग का गठन कहाँ पर किया गया था, यहाँ पर किया गया था। रूपाजी कृपाजी दाकर कौन से आंदोलन से संबंधित रखते हैं, तो यहाँ से संबंधित रखते हैं। यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे, रामनारायण चौधरी थे। उनके बाद नेतृत्व किन्होंने संभाला, उसके बाद विजय सिंह पतिक ने संभाला। ये हो गया बेंगू किसान आंदोलन खत्म, बस इतना सा ही मैटर रहता है बेंगू किसान आंदोलन में। लेकिन यहाँ पर अपन इनसाइड भी बातें करेंगे, बहुत सारी इनसाइड में आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ऐसी स्टोरी में बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं, जो आपने सुना होगा। सिर्फ 2 क्लासें लगेगी, आज की क्लास और कल की क्लास, जिसमें बेंगू आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिंदगी भर आपको बेंगू किसान आंदोलन कहीं बुक में या कहीं वीडियो में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना जबरदस्त तरीके से सारी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी जिज्ञासाएं जो आपके अंदर भरी हुई ना वो सब अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बेंगू किसान आंदोलन पहला क्वेश्चन बनता है कब से प्रारंभ हुआ था, 1921 से लेकर 23 वर्ष। बहुत बार ये हो जाता है कि कितने वर्षों तक चला था, 4 वर्षों तक चला था, ऐसा बहुत अटपटे क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत सारा कंफ्यूज है बेंगू किसान आंदोलन में, तो वो कंफ्यूज मत रखना आप याद रखना 1921 से लेके कब तक चला था, 23 तक ये चला था। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा ये बताया मैंने, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था। अब ये ठिकाने की बात मैंने आपको बता दी, यहाँ पर जो ये जमीन दी थी ये मेवाड़ रियासत की थी और राव चूड़ावत को दी गई थी। तो यहाँ पर जो राजा वंश, यहाँ पर जो वंश शासन कर रहा था वो चूड़ा का था, यानी कि चूड़ा, जो कुंवर चूड़ा थे उनका वंश यहाँ पर शासन कर रहा था। और इसका एक मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि जो रतन चूड़ावत थे, जो हाडी रानी, आप जो कथाएं सुनी है हाडी रानी के बारे में, वो भी कहाँ से संबंधित है, सलूम्बर से संबंधित है। और सलूम्बर भी किसकी रियासत थी, कुंवर चूड़ा की रियासत थी। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ का ठिकानेदार ठाकुर सूबेदार कौन था, अनूप सिंह था। यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि बेंगू किसान आंदोलन के समय ठिकानेदार कौन था, क्या आंसर आएगा, अनूप सिंह आएगा। क्या आएगा, अनूप सिंह आएगा। यहाँ के जो आंदोलनकार है, हर एक किसान आंदोलन में जितने भी आंदोलन हुए उसमें एक पर्टिकुलर एक जाति निकल के आई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जाति कौन से क्षेत्र में निवास करती। आपने देखा होगा राजस्थान में हर एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर बहुलता में एक जाति पाई जाती है। आप भरतपुर जाइए, वहां पर अलग जाति निवास करती सबसे ज्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर धाकड़ जाति के लोग निवास करते थे, तो धाकड़ जाति ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सुना, वहां के लोगों के बारे में जाना, प्रेरित हुए, कॉन्फिडेंस मिला इनको, मोटिवेट हुए ये।
तो इन्होंने क्या करा कि हम भी आंदोलन करेंगे, हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा लाग बेगा बेट बेगार लगान के कर लगाए जाते, लाटा कुटा पद्धति, बहुत सारे हम दबे हुए हैं, एक तरह से हमारा भी शोषण हो रहा है, यहाँ के ठिकानेदार से हम भी परेशान है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित हुए ये, और बिजोलिया किसान आंदोलन को देखकर इन्होंने क्या किया, आंदोलन करने का निर्णय किया। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं मुझसे, सारा मैटर मैंने आपको बता दिया, क्या क्यों कैसे जितनी भी आपके जिज्ञासाएं निकल के आती वो मैंने आपको यहां पर बात कर ली। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन, ये सब कुछ समझ में आपको क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई नहीं आई, जल्दी से बताइए। बेंगू किसान आंदोलन से हर बार या बहुत ज्यादा एग्जाम में, पता नहीं कितने एग्जाम ऐसे हो चुके हैं जिसमें बेंगू किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। रूपा जी धाकड़, कृपा जी धाकड़, 100 बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया होगा कि रूपा जी कृपा जी धाकड़ कौन से आंदोलन में शहीद हुए थे। आपका आंसर आना चाहिए बेंगू किसान आंदोलन। रूपा जी कृपा जी धाकड़ कौन से आंदोलन से संबंधित रखते हैं? बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने कहां तक बता दिया आपको, अपनी स्टोरी चल रही है कि आंदोलन करने का निर्णय कर लिया बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर। और क्या निर्णय करा इन्होंने, निर्णय किया कि हम भी बेट बेगार लाग लगान कर वगैरह जितने भी लाटा कुटा पद्धति में जितने भी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा बोझ लगे हुए हैं, जो कर हम दे रहे हैं वो हम नहीं देंगे। तो इसीलिए 1921 में ही, कब की बात है, 1921 में ही आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे पहले, आंदोलन किया या प्रारंभ हुआ। क्या हुआ 1921 में आंदोलन प्रारंभ, सभी वीडियो को लाइक कर देंगे पहले, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर दे, आप जितने ऑनलाइन होते हो उतने तो लाइक नहीं रहते, तो यानी कि शेयर भी नहीं करते होंगे आप ज्यादा, प्लीज शेयर कर दिया करें, वीडियो को आते ही शेयर कर दिया करें आप। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारा टारगेट यही है कि सामान्य ज्ञान ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्लास को देखे और उनको पता चले कि हाँ यहाँ पर भी बहुत अच्छा मैटर पढ़ाया जा रहा है टीचरों के द्वारा। ठीक है, किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, किन्होंने किया था आंदोलन प्रारंभ? धाकड़ जाति के किसानों द्वारा। आंदोलन प्रारंभ, और इन्होंने निर्णय किया कि हम एक बैठक का आयोजन करेंगे। क्या करेंगे? एक बैठक का आयोजन हुआ। अब ये बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? मेनाल में हुआ। कहां पर हुआ? मेनाल में। मेनाल कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि मेनाल कहां पर पड़ता है, चित्तौड़ जिले में पड़ता है। इसका भी कंफ्यूज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो मेनाल जहां पर है, झरने के लिए जाना जाता है मेवाल, मेनाल महादेव जी का मंदिर है वहां पर, बहुत ही अच्छा पुराने स्थापत्य, कम से 1100-1200 साल पुराने स्थापत्य कला आपको देखने को मिलेगी, बहुत जबरदस्त स्थान है। आप कहीं पर जाना तो बिल्कुल देख के आना मेनाल को, भीमलत महादेव से आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो मेनाल, इसका कंफ्यूज ये है कि मेनाल से जहां पर बॉर्डर निकली हुई है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो यहीं पर निकली हुई है वो, तो कुछ हिस्सा है ना मेनाल का चित्तौड़गढ़ जिले में बताते हैं और कुछ हिस्सा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बताते हैं, लेकिन लगभग ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, यानी कि अपन बात करेंगे सिर्फ भीलवाड़ा की, जो मेनाल में, यानी कि मेनाल कहां पड़ता है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसमें एक बेरकुंड नामक स्थान था। मेनाल बैठक आयोजित, कहां पर आयोजित हुई बैठक? बेरुकुंड गांव, बेरुकुंड नामक स्थान पर। क्या किया? धाकड़ जाति के किसानों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया और मेनाल में बेरुकुंड नामक स्थान पर एक बैठक आयोजित हुई। क्या हुई? बैठक सभा आयोजित की गई, सभा आयोजित की गई, आयोजित की गई, या फिर एक पंचायत बिठाई इन्होंने। क्या बिठाई? पंचायत बिठाई इन्होंने, पंचायत बिठाई, और इस पंचायत में इन्होंने किसानों ने, किन्हों ने? किसानों ने निर्णय किया। किन्हों ने? किसानों ने निर्णय किया।
क्या निर्णय किया किसानों ने, ये निर्णय किया कि हम भी कर लगान बेट बेगार लाग बाग नहीं देंगे, यानी कि राजस्व नहीं देंगे, राजस्व कर नहीं देंगे, ये इन्होंने निर्णय किया। कौन सी सभा में? जो मेनाल में, यानी कि ये मेनाल की, जैसे अपन बात कर रहे हैं बिजोले किसान आंदोलन की, कनेक्ट करना, बिजोले किसान आंदोलन में पहली बैठक का आयोजन हुआ था, कहां पर हुआ था, कौन से गांव में हुआ था, एक गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो जाती है इन कर के परेशान की वजह से, उसकी हत्या हो जाती है, सॉरी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किसान है ना, एक बैठक का आयोजन करते हैं गिरधारीपुरा गांव में, कहां पर करते हैं, गिरधारीपुरा नामक स्थान पर। वो पहली बैठक थी कौन से, बिजोले किसान आंदोलन की। वैसे ही जैसे बिजोले किसान आंदोलन में बैठक का आयोजन किया गया था, वैसे ही बेंगू किसान आंदोलन में किसानों ने, धाकड़ जाति के किसानों ने कर से लगान से परेशान होकर एक बैठक का आयोजन किया गया, और वो बैठक कहां पर आयोजित हुई थी, मेनाल नामक स्थान पर। अगर मेनाल ऑप्शन में नहीं हो और बेरुकुंड ऑप्शन में हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बेरुकुंड स्थान आना चाहिए। मेनाल में बेरुकुंड नामक जगह थी एक, वहां पर इस बैठक का आयोजन हुआ और किसानों ने निर्णय किया कि हम भी कर लगान बेट बेगार लाग बाग वगैरह हम नहीं देंगे। ये सब किससे कहा, किसानों ने एक दूसरे से, जो पंचायत बिठी, जो सरपंच है, किसानों के जो एक लीडर हुआ करते थे, उन्होंने सबने मिलजुल करके बात की और किसानों की समस्या वहां पर रखी, और किसानों के द्वारा जो हो रहे थे, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनकी सबकी बात वहां पर हुई और एक इन्होंने निर्णय किया। अब इनको लगा कि अब क्या करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, आंदोलन कैसे प्रेरित कर सकते हैं, आंदोलन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनको दिमाग में आया कि बिजोलिया में भी किसान आंदोलन चला हुआ है, तो बिजोलिया में इनका बहुत ही जबरदस्त फेमस नाम हुआ करते थे, जिनका नाम था क्रांतिकारी थे विजय सिंह पथिक। क्या नाम था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने एक राजस्थान के राजपुताने को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रखा था कि मैं यहाँ पर जो अत्याचार, जो क्रांतिकारी अपन ला रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर मैं जो परेशान है, जो शोषण हो रहा है कि यहाँ की जनता के साथ, उसको खत्म करने का निर्णय विजय सिंह पथिक ने ले रखा था। ऐसा मानो आप, विजय सिंह पथिक, एक बार होता क्या है दोस्तों, जब आप किसी चीज को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लेते हो ना, तो पीछे से आपको रोकने के बहुत सारे लोग कोशिश भी करेंगे कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन विजय सिंह पथिक इतने संघर्ष और इतने इतने मतलब इतनी बुराइयों के बीच और यहाँ पर इतने बेकार लोगों के बीच भी आने के बाद भी अपनी क्रांतिकारी जो वो होड़ थी वो नहीं छोड़ी उन्होंने, और फिर भी इस राजपुताने के जो राजस्थान को आगे बढ़ाने का जो निर्णय था उनका, उसमें लगे रहे, डटे रहे, हटे नहीं अपने रास्ते से। उनके सामने पता नहीं कितनी समस्या आई, कितने उनको भागना पड़ा, इधर से उधर जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने स्थान पर डटे रहे, किसानों के प्रति आगे खड़े रहे, एक नेतृत्व करते बने रहे, फिर भी वो नहीं हटे। तो इनको दिमाग में, किसानों को दिमाग में क्या आता है कि अपन विजय सिंह पथिक से मिलने चलते हैं, विजय सिंह पथिक को पत्र लिखते हैं और उनको यहाँ पर आने के लिए मनोनीत करते हैं, यहाँ पर आइए और हमारे किसान आंदोलन को प्रेरित कीजिए, और हमको भी यहाँ से जो अंग्रेज ठिकानेदार जो यहाँ के ठाकुर से, इनसे आजादी दिलाइए। ये होता है पूरा मैटर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा आपके साथ, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, कि पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी बेंगू किसान आंदोलन की, कहां पर आयोजित हुई थी दोस्तों, मेनाल में। कहां पर आयोजित हुई थी? मेनाल में, ठीक है। कब हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। यहां पर क्लियर है, ये चीज सभी को समझ में आए कि नहीं आई, यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, यहां तक की अभी तक की बात करेंगे, अभी तक सारा क्लियर है? क्लियर है तो लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सभी वीडियो को लाइक करेंगे, बस शेयर भी करते रहा करें। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, ये होती है किसानों की पहली बैठक की बात। अब किसान क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, किसान क्या करेंगे, विजय सिंह पथिक को आमंत्रित करने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या होता है आगे, अब 1921 में ही किसान, कौन किसान, उनमें से ही कुछ व्यक्ति होंगे ऐसे जो लीडरशिप निभा रहे होंगे, यानी कि जो समझदार होंगे, वो कुछ किसान कहां चले जाते हैं, अजमेर चले जाते हैं।
किन से मिलने, अजमेर चले जाते हैं, किन से मिलने चले जाते हैं, विजय सिंह पथिक से, विजय सिंह पथिक से, क्या लेने गए, मिलने गए, किन से, विजय सिंह पथिक से मिलने गए। 1921 में किसान कहां चले जाते, अजमेर चले जाते हैं विजय सिंह पथिक से मिलने। अब आपको कनेक्ट करनी है यहां बेंगू में जो स्थिति है वो कनेक्ट करनी है कहां पर, बिजोलिया किसान आंदोलन से। अब याद करो, रिकॉल करो अपने दिमाग में कि 1921 में क्या हुआ था। 1921 में मैंने आपको बताया था, 1919 की बात करेंगे पहले, 1919 में राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ था। कहां पर हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र में। कहां पर हुआ था दोस्तों, वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। और ये 1921 में राजस्थान सेवा को ट्रांसफर कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। कहां पर ट्रांसफर कर दिया था, अजमेर कर दिया था, अजमेर कर दिया था। कब, 1920 में। और ये बाद में यहां पर ही चला था, बाद में एक फेल हो गया था जो 1928-27 की बात है, उसमें ये फेल हो गया था क्योंकि मतभेद हो गए थे रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक के बाद। ये बात की बात है जो मैंने आपको वहां पर क्लियर कर दी थी। अब 1921 में विजय सिंह पथिक कहां थे, ये कहां थे, अजमेर में थे। कहां पर थे, अजमेर में थे, ये मैंने आपको बता दिया है कहां पर थे, ये अजमेर में थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इनको बिजोलिया किसान आंदोलन में, यानी कि जो बिजोलिया का जो ठिकाना था वहां पर प्रतिबंध भी लगा हुआ था, यानी कि वहां के ठिकानेदार, वहां के ठाकुर, वहां के जो अंग्रेज अधिकारी और वहां पर जो सेना, मतलब वहां का जो प्रशासनिक पद था, उन्होंने विजय सिंह पथिक पर प्रतिबंध लगा रखा था कि आपका यहां पर आना अलाउ नहीं है। अगर आप यहां पर आते हो, अगर आप यहां पर आते हो तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जुर्माना भी लगा जाएगा, यानी कि पूरी तरह से दंडित किया जाएगा। तो किसान क्या करेंगे, किसान कहां पर जाएंगे, अजमेर जाएंगे, किससे, विजय सिंह पथिक से मिलने, कि आप कहां पर आइए, बेंगू आइए। लेकिन कैसे आ सकते हैं, बेंगू भी क्या है, मेवाड़ रियासत का एक भाग है, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना है। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मेवाड़ रियासत में इतने किसान आंदोलन हुए, सबसे ज्यादा जो किसान आंदोलन हुए हैं वो मेवाड़ रियासत में हुए। यहाँ के किसान, यानी कि यहाँ के ठाकुर थे, यहाँ के जो राजा थे फतेह सिंह, इनके द्वारा जो लगाए गए कर थे उनसे सबसे ज्यादा शोषण, अत्याचार, प्रताड़ित कौन थे, यहाँ के किसान थे। तो विजय सिंह पथिक ना बेंगू आ सकते थे, ना कहां पर जा सकते थे, बिजोलिया जा सकते थे। तो यहां पर ये विजय सिंह पथिक जो है वो राजस्थान सेवा संघ के, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री पद थे, मंत्री थे ये। कहां पर थे मंत्री, राजस्थान सेवा संघ अजमेर में, जो ब्यावर में जो मेन यहां पर छपाई हुआ करती थी, यहां पर समाचार पत्रों की, वहां पर ये उपस्थित थे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो ये तो आ नहीं सकते थे। तो विजय सिंह पथिक ने किनको कहा, कहा किनको कहा, राम नारायण चौधरी को, राम नारायण चौधरी को बोला। किनको बोला, राम नारायण चौधरी को बोला। ये क्या थे, ये भी मंत्री थे, ये भी मंत्री थे। किनके, राजस्थान सेवा संघ जो अजमेर में चल रहा था उसके मंत्री थे राम नारायण चौधरी। तो इन्होंने बात बनी कि मैं तो जा नहीं सकता तो तुम जाइए। तो राम नारायण चौधरी नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं किसका, बेंगू किसान आंदोलन का, बेंगू किसान आंदोलन का। तो दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने क्या बात करी यहां तक, अभी जो क्लास लगी थी उसमें, कि पहली बैठक, पहली बैठक आपको ध्यान रखनी, पहली बैठक कहां पर हुई थी, कहां पर, मेनाल में, मेनाल में, बेरुकुंड में। मैं आपको सारी चीजें क्लियर लेके चलना चाहता हूं, सारी चीजें क्लियर हो रही कि नहीं है। दूसरी कि किसानों का नेतृत्व तो किसने किया, यह भी आपको ध्यान रखना है, राम नारायण चौधरी, राम नारायण किसने किया, राम नारायण चौधरी ने किया। तो आप याद रख सकते हो, पहला कौन आएंगे, भगवान आएंगे, यानी कि बेंगू में कौन आएंगे, भगवान आएंगे सबसे पहले, राम नारायण चौधरी। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से बच्चे विजय सिंह पथिक को यहां का नेतृत्व करता,
ऑप्शन में टिक लगा के आ जाते हैं, फिर उनका गलत हो जाता है, फिर वो देखते रहते हैं इधर उधर, बुक वगैरह पलटते रहते हैं, तो वो कोई मतलब ही नहीं निकलता फिर इस चीज का। इसीलिए यहां पर ध्यान रखे, सतर्क रहे, एक एक चीज बता रहा हूं। 1921 में किसान निर्णय करते हैं और पत्र लिखते हैं, और पत्र लेके लिखे जाते हैं, सभी किसानों के साइन वगैरह करवा लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं कि हम सभी किसान चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करो। किनके पास जाते हैं? विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं। लेकिन विजय सिंह पथिक पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ रहता है, ये ना बिजोली आ सकते हैं, पूरी मेवाड़ रियासत में नहीं आ सकते। तो ये किसको बोलते हैं? जय रामनारायण व्यास को बोलते हैं, रामनारायण चौधरी को बोलते हैं। कहाँ जाने के लिए? बेंगू किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए बोलते हैं, यानी कि आप इसका नेतृत्व करो और इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, और यहाँ पर जो किसानों की समस्या, अत्याचार, जो शोषण हो रहा है उसको खत्म कीजिए। तो रामनारायण चौधरी संभाल लेते हैं बेंगू किसान आंदोलन को और नेतृत्व कर लेते हैं, यानी कि मेनाल में पहली बैठक होती है, उस बैठक में का निर्णय बहुत अच्छा रहता है कि रामनारायण चौधरी जैसे नेता इनको मिल जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? आपको क्लियर है सारी चीजें? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूरा मैं आपको पूरा घुमा फिरा के ऐसा लेके नहीं जा रहा हूँ कहीं पे, एक एक लाइन से लाइन आपको मिलाते हुए, एक बिंदु से बिंदु मिलाते हुए अपन चल रहे हैं, ठीक है? आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्या होता है। आप चलिए अब आगे बात करते हैं, रामनारायण चौधरी को नेतृत्व कर रहे हैं, अब रामनारायण चौधरी क्या निर्णय करेंगे अब इसके बारे में बात करते हैं। अब कौन आ गए? रामनारायण चौधरी आ गए। ठीक है, रामनारायण चौधरी आ गए। अब बात होती वही 1921 की। अब 1921 में कौन? रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी का निर्णय क्या होगा? इनका निर्णय किसके प्रति? किसानों के। किसानों के प्रति ये क्या निर्णय करते हैं सुनिए। रामनारायण चौधरी आ जाते हैं, बेंगू आ गए, अभी बेंगू आ गए, किसानों के साथ बैठने उठक बैठक हो गई इनकी, किसानों के साथ सारी समस्या इन्होंने जान ली है। हाँ हाँ, सारी कहानी इन्होंने सुन ली, एक रात पूरी रात सोए भी नहीं थे ये, और बिल्कुल किसानों की समस्या इन्होंने जानी, पूरा पड़ताल देखा इन्होंने, आसपास की जनता से भी जाना, घूमे फिरे वगैरह, माहौल देखा, अच्छे से खाए पिए वहां पर बैठे, नेतागिरी करी और बैठ गए। ठीक है, ये रामनारायण जो चौधरी हैं, ये विजय सिंह पति के, ये मैं आपको विजय सिंह पति के बारे में अपने बात कर ली। रामनारायण चौधरी, जमलालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, ये क्रांतिकारी हुए थे, यानी कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है राजस्थान में। तो अगर समय रहा ना तो इनकी एक पर्टिकुलर बात भी कर लेंगे अपन, कि रामनारायण चौधरी का क्या योगदान है राजस्थान में, जमनालाल बजाज का क्या योगदान है राजस्थान में, माणिक्यलाल वर्मा का क्या योगदान है राजस्थान में, जो ये प्रताप सिंह बारट है, केसरी सिंह बारट है, इनका क्या योगदान है, ये योगदान आते हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इनसे क्वेश्चन इनके ही नहीं निकलते, इनके इनके साथ बहुत सारी हिस्ट्री कवर हो जाती है पूरी, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। रामनारायण चौधरी आ जाते हैं, निर्णय करते हैं मतलब किसानों के प्रति, और इन्होंने किसानों की समस्या जान ली थी, और ये किसानों की समस्या को लेकर, किसानों की समस्याओं को मेवाड़ के दीवान के पास भेजते हैं, मेवाड़ के दीवान के पास जाते हैं। कहां जाएंगे? मेवाड़ के दीवान के पास जाएंगे या उनको भेजेंगे, लेकिन इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? इससे कोई सोल्यूशन सोल्यूशन नहीं निकला, यानी कि कोई हल नहीं निकलता है। जब ये मतलब महत्व ही नहीं देते कुल मिला के, जो मेवाड़ के महाराणा जो दीवान रहते हैं, वो भी क्योंकि बिजोलिया को महत्व नहीं दे रहे हैं, जब इतना जबरदस्त हो रहा है वहां पर बिजोलिया में, तो ये बेंगुल को महत्व देंगे क्या? तो बिल्कुल बेंगू को ये क्या देते हैं? महत्व नहीं देते, यानी कि ये फेल हो जाते हैं रामनारायण चौधरी यहां पर। अब इनको क्या लगा कि चलो कोई बात नहीं, हमको समस्या बतानी थी, हमने मेवाड़ को बता दी, ताकि ये तो पता रहे ना कि हाँ इनके महाराणा को, इनके दीवान को यहाँ का पता रहे कि हाँ बेंगू में भी ये कुछ चल रहा है, ताकि आप कल को ये नहीं बोल दे कि यार आपने ऐसा क्यों किया, हमने समस्या बतानी थी। एक सिस्टमेटिक तरीके से रामनारायण चौधरी जी चल रहे थे। और रामनारायण चौधरी अब क्या करते हैं, 1921 में ही एक रायता गांव, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आता है रायता गांव का नाम, देखा जाए ना तो पूरे बेंगू किसान आंदोलन में जो किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है, किस स्थान पर रही है, तो वो है रायता गांव में।
किसान यहीं पर बैठक करते थे, यानी कि यहीं पर रहते थे वो। अब जो भी प्रशासनिक कार्य करेंगे, पद आएंगे, यानी कि जो भी अधिकारी आएगा वो बेंगू में आएंगे, तो किसान यहाँ से बोल देते हम नहीं आएंगे, यहाँ पर आके बात करो, यहाँ पर आके बात करो, तो कहाँ पर आएंगे? सभी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सबको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सभी को समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, रामनारायण चौधरी रायता गांव में एक बैठक का आयोजन करेंगे। क्या करेंगे? एक बैठक का आयोजन करेंगे। ये बैठक बोलो, सम्मेलन बोलो, सम्मेलन बोलो, क्या किया? आयोजित किया, आयोजित किया, ठीक है, सम्मेलन बैठक का आयोजित किया। और इसमें इनके साथ कौन कौन आए थे, यानी कि किस किस ने भाग लिया था इस बैठक में? रामनारायण ने भाग लिया था और माणिक्यलाल वर्मा ने, इन दोनों व्यक्ति ने इस बैठक को क्या क्या संबोधित किया था? किस बैठक को संबोधित किया इन्होंने? यहां पर जो रायता गांव में, रायता गांव में जो बैठक हुई थी, एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इस सम्मेलन को जो संबोधित किया, यानी कि इसमें जो संबोधित, यानी कि नेतृत्व करना, यानी कि उनके बारे में बताना करना, जो भी बैठक में क्या करना है, अब आगे क्या करना है, आगे की क्या प्रोसेसिंग रहेगी, क्या प्रक्रिया अपन निभाने वाले हैं, वो सिर्फ संबोधित करने का कार्य किसने किया? रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, ये दोनों जो बड़े लीडर थे, ये दोनों आगे वहां पर, और किसान आगे, और इन्होंने एक बैठक का आयोजन कर देते हैं। और इस बैठक में ये दोनों निर्णय करते हैं कि हम है ना, यानी कि किसान, कोई भी किसान, कोई भी किसान कर नहीं देगा, कर नहीं देगा, लगान नहीं देगा, लाग बेगार नहीं देगा, लाग बाग बेग बेठार बेट बेगार नहीं देगा, यानी कि किसान कोई भी राजस्व कर और लाग बाग नहीं देगा। क्या नहीं देगा? राजस्व कर और लगान नहीं देगी। इसी बैठक में, यानी कि यहां पर रामनारायण चौधरी और जो माणिक्यलाल वर्मा थे, वो किसानों को संबोधित करते हैं और संबोधित करके भाषण देते हैं। भाषण में बहुत सारी बातें इन्होंने बताई कि किस प्रकार आप इसका हल निकाल सकते हैं, बहुत सारी बातें कही गई। इन्होंने बोला कि हम लगान नहीं देंगे, कोई भी किसान कार्य नहीं करेगा, किसी भी ठाकुर के प्रति कोई कार्य नहीं करेगा, और कोई भी स्वदेशी चीजें अपनाएगा, यानी कि कोई विदेशी चीजों को नहीं अपनाएगा, ऐसी चीजें, यानी कि अपना कार्य खुद करेंगे, अपन पैसा खुद कमाएंगे, कोई भी किसी के प्रति काम नहीं करेगा, और ये जितने भी कर आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो भारी पड़ रहे हैं, जिसके कारण शोषण हो रहा है आपका, गरीबी आ रही है, आपको खाने तक की रोटी नसीब नहीं हो रही है, तो ऐसा कार्य कोई भी किसान नहीं करेगा। सारे निर्णय कर लिए, सारी चीजें हो गई। इसके बाद सारी चीजें होने के बाद यहाँ के किसानों ने एक नारा भी दिया था, और किसानों नारा यही दिया था कि राजस्व नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे, राजस्व नहीं देंगे और लगान नहीं देंगे। हर एक आंदोलन में, हर एक क्रांतिकारी, जो भी बेटा, जो भी आंदोलन में विद्रोह हुआ, उसमें हर में सभी में नारे निकल के आते हैं। ये पॉलिटिकल का ऐसा होता है कि नारा किसने दिया था, ये नारा किसने दिया था, ये नारा किसने दिया था, बहुत सारे नारे निकल के आते हैं। तो यहाँ पर भी एक नारा हो गया, मतलब बेंगू किसान आंदोलन में इतना जबरदस्त तरीके से निकल के आया था ये इस बैठक के बाद, कि हम राजस्व नहीं देंगे, हम लगान नहीं देंगे, हम राजस्व नहीं देंगे, हम लगान नहीं देंगे। किसानों के प्रति जोश आ गया। ये जोश किसने भरा? रामनारायण चौधरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने। इसी बैठक में इतना जबरदस्त तरीके से जोश आएगा, अब हालत खराब हो जाएगी यहाँ के ठाकुरों की, और यहाँ के महाराणा की, दीवान की, और जो ऊपर बैठे होलैंड है उनकी भी, और विल्किंस अधिकारी की भी। यानी कि एक तरह से बिजोला किसान आंदोलन में जो चला हुआ है, उससे प्रेरित होकर बेंगू किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया, और बेंगू किसान आंदोलन भी इतनी जबरदस्त तरीके से आगे जा सकता था, ये पहले किसानों ने नहीं सोचा था। लेकिन रामनारायण चौधरी के आने के बाद बैठक संबोधित की और इतना जबरदस्त तरीके से उभर के आया। सभी को समझ में आया ये सारी चीज? क्लियर है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। अब और क्या करते हैं, जोश तो बढ़ गया, अब जोश होने के बाद अब यहां पर आंदोलन शुरू हो जाएंगे। आंदोलन तो चल ही रहा है, अब बैठक पे बैठक आयोजन होगी। अब ये क्या करेंगे, उकसाएंगे किसको? अनूप सिंह को। अरे भाई, अनूप सिंह कुछ ना कुछ बोले तभी तो, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। आपको पता होगा, मतलब किसी चीज को छेड़ा छाड़ी करना बहुत अच्छा रहता है।
अपन जब तक छेड़छाड़ी नहीं करते ना किसी चीज को, अपन को पता नहीं चलता कि इसमें खराबी क्या है और किसी दूसरे को भी पता नहीं चलेगा। जब तक आप शांत बैठे रहोगे, शांत का मतलब यानी कि लड़ाई करना भी नहीं बोल रहा हूं मैं, एक आवाज नहीं उठाओगे तब तक सामने वाले बड़े लीडर को कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप परिणाम क्या लेना चाहते हैं, आप किस रिजल्ट को किस रिजल्ट पे जाना चाहते हो, ये कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता करोगे आप? कैसे करोगे? रैलियां निकालोगे? बिल्कुल निकालनी चाहिए। आप आंदोलन करोगे? बिल्कुल करने चाहिए। सत्याग्रह करोगे? बिल्कुल करने चाहिए। क्या करोगे आप? यही चीजें करोगे तभी तो जो वहां पर बड़े लीडर, जो ठिकानेदार में ठिकाने बैठे हैं, जो ठाकुर बैठे हैं, जो महाराणा बैठे हुए हैं, उनको कैसे पता चलेगा? जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक कैसे पता चलेगा? अब आवाज उठाने के लिए यहाँ पर कौन आ गए? रामनारायण चौधरी आ गए, तो वो आवाज उठा रहे हैं। तो 1921 में ही चंदाखेड़ी में, 1921 में एक और बात हो जाती है, और चंदाखेड़ी में, चंदाखेड़ी जो वही बेंगू का हिस्सा है, चंदाखेड़ी में, चंदाखेड़ी में एक बैठक का आयोजन होता है। क्या हो जाता है? बैठक आयोजित हो गई। क्या हुई? चंदाखेड़ी में एक बैठक आयोजित होती है और एक नेता रहते हैं चंदाखेड़ी में, नेता रहते हैं जो आयोजित करते हैं। उस नेता का नाम था खेमा। क्या नाम था? खेमा धाकड़। यानी कि नेता थे खेमा धाकड़, ये भी किसान थे, ये नेतृत्व करते हैं यहाँ का, इस बैठक का। और खेमा धाकड़ को यहाँ पर गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर जो अनूप सिंह ठाकुर के जो सैनिक थे या फिर वहां के जो अधिकारी प्रशासनिक पद जो अनूप सिंह ने वहां पर रख रखे थे, वो क्या करते हैं? खेमा धाकड़ को गिरफ्तार कर लेते हैं, पुलिस बल की सहायता से गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये खेमा धाकड़ गिरफ्तार हो गए और ये गिरफ्तार की सूचना, की सूचना किसको पता चलती है? ये एक घटना हो रही है, मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। 1921 में एक चंदाखेड़ी में एक घटना हुई, एक बैठक का आयोजित होता है जहां पर बेंगू किसान आंदोलन के जो अत्याचार हो रहे थे, जो शोषण हो रहा था, जिन पे कर वगैरह लगाए जा रहे थे, जो बोझ था उसको ही लेकर एक बैठक का आयोजन होता है। और इस बैठक के नेता रहते हैं खेमा धाकड़। याद रखना खेमा धाकड़। ये सारी चीजें आपको नई लग रही होगी लेकिन मैं आपको एक एक चीज कनेक्ट करके चलाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको पूरी क्लास में। बेंगू किसान आंदोलन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बेंगू किसान आंदोलन में क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं, आपको पता होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन निकलते हैं। रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ कौन से आंदोलन से संबंधित है, कब हुआ था ये आंदोलन, इसका नेतृत्व करता कौन थे, ये तीन चार क्वेश्चन निकलते हैं, इससे क्या मजा आएगा। लेकिन आज का जो जमाना है, नए नए क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, और नए क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं तो फिर टीचर भी नई चीजें पढ़ाने शुरू कर दे। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन अभी से ही पूरा बेंगू किसान आंदोलन पढ़ लेते हैं। अब कहीं से भी दे दो आप क्वेश्चन, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, मुझे पूरा बेंगू किसान आंदोलन याद है। 1921 में चंदाखेड़ी में बैठक का आयोजन होता है, खेमा धाकड़ एक नेता रहते हैं, वो की गिरफ्तारी हो जाती है, और इसकी सूचना किसको पता चलती है? राम नारायण को पता चलती है। क्या चली? कि खेमा धाकड़ जो है वो गिरफ्तार हो चुके। अब राम नारायण चौधरी जो है एक्शन लेंगे। क्या लेंगे? एक्शन, यानी कि एक एक्शन लेंगे, कुछ तो करेंगे कि यार इनको छुड़ाना तो है। तो ये किसानों की बैठक का आयोजन करेंगे, किसानों को बुलाएंगे, और लगभग 300-400 किसान, लगभग 300-400 किसानों को सत्याग्रह करने के लिए बोलते हैं। सत्याग्रह करो, ये कौन बोलता है सत्याग्रह करने के लिए? राम नारायण चौधरी बोलते हैं। किनको? किसानों को। राम नारायण चौधरी आ जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, और जो खेमा धाकड़ उनको छुड़ाने के लिए, उनको रिहाई करने के लिए, जो अनूप सिंह के प्रति और जो वहां के महाराणा रहते थे मेवाड़ के, उनके प्रति एक सत्याग्रह छेड़ देते हैं, सत्याग्रह कर देते हैं कि इनको छोड़ो, आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, महाराणा हो आप, ऐसी छोटी हरकत कैसे कर सकते हो, हम क्या आंदोलन नहीं कर सकते क्या, हमारी कोई मांगे नहीं हो सकती क्या, इस तरह की अलग अलग बातें बनाकर सत्याग्रह कर देते हैं। और इस सत्याग्रह जो ये होता है, ये अहिंसात्मक होता है, यानी कि अहिंसात्मक सत्याग्रह, यानी कि इसमें कोई हिंसा नहीं होती है। और सहयोग किनका था? रामनारायण चौधरी का, ठीक है, अहिंसा था, कोई भी हिंसा नहीं होती है इसमें, और अहिंसात्मक ये सत्याग्रह कर देते कुछ समय के लिए। सत्याग्रह चला और फाइनली इस सत्याग्रह का रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट क्या निकलता है कि खेमा धाकड़ जो है वो रिहाई हो जाती है, उनकी रिहाई, यानी कि ये बरी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो ये किसानों की क्या होती है? पहली जीत होती है, पहली जीत होती है, जो अहिंसात्मक इनकी जीत होती है। यानी कि झुकना पड़ता है वहां के ठाकुर को, वहां के महाराणा को, और किनको रिहा करना पड़ता है? खेमा धाकड़ को रिहा करना पड़ता है। किनको रिहा करना पड़ेगा? खेमा धाकड़ को रिहा करना पड़ेगा। और ये किसानों की पहली जीत होती है कि किसानों में एक उत्साह, एक उमंग आ जाती है कि हाँ
राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में जो हमने जो कार्य किया ये बहुत आगे तक जाएगा और हम इसको एक बेंगू किसान आंदोलन में जो बेंगू के साथ जो किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो इसको खत्म कर देंगे। एक उमंग आ गया, एक मोटिवेट मिलने को साधन मिल गया इनको कि हाँ इसका असर तो हो रहा है यार, मजा आ गया इसमें। तो खेमा ठाकुर को गिरफ्तार किया हमने, आंदोलन कर दिया, सत्याग्रह कर दिया, सत्याग्रह का फायदा हमें मिल गया कि यहाँ के ठाकुर को, यहाँ के सूबेदार को, यहाँ के जो जागीरदार है जिनको सबको हमारे सामने झुकना पड़ा और इनको रिहा करना पड़ा, बरी करना पड़ा। तो ये क्या हो गई, एक पहली जीत हो गई, अहिंसात्मक जीत हो गई जिसमें किसी की हिंसा नहीं हुई। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर आ रही, सारी चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सभी को मजा आ रहा है, सभी को मजा आ रहा है, चलो मजा आ रहा है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते क्या करना है। ठीक है दोस्तों, लिख लिया सभी ने? चलो तो दोस्तों बिल्कुल मैं सारी चीजें आपको बताई, अभी तक बिल्कुल क्लियर है, समझ में आई सभी को? अब मिटा दूं मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले वीडियो को सभी लाइक करेंगे, पहले लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हो आप। लिख लो जल्दी से, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है चलो, अब इस चीज का असर क्या होगा, इस असर को देखिए। अब आप इसका यह असर होगा कि जो ठाकुर थे अनूप सिंह, ठाकुर अनूप सिंह वो भी बात करेंगे किनसे, राम नारायण चौधरी से। किससे? राम नारायण चौधरी से, क्योंकि ये बातें सब किसको पता चलेगी, ठाकुर को पता चलेगी और वहां के महाराणा को पता चलेगी। तो ठाकुर अनूप सिंह, राम नारायण चौधरी और जो भी बड़े लीडर थे ये सारे मिलकर अजमेर जाते हैं। अजमेर कौन बुलाता है इनको? अजमेर चले जाते हैं मिलने के लिए। किनसे? विजय सिंह पथिक से मिलने के लिए जाते हैं। ये कहां पर जाते हैं? राजस्थान सेवा संघ में, जो अजमेर के नेतृत्व में, यानी कि अजमेर राजस्थान सेवा संघ में, राजस्थान सेवा संघ, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो किससे मिलने चले जाते हैं, विजय सिंह, विजय सिंह पथिक से मिलने चले जाते हैं ये। इनको विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ के जितने भी मंत्री पदा जो भी वहां पर पद पे नियुक्त होते हैं वो इनको बुला लेते हैं, यानी कि ठाकुर अनूप सिंह, राम नारायण चौधरी ये राजस्थान सेवा संघ में कहाँ चले जाते हैं? अजमेर चले जाते हैं। और अजमेर जाने के बाद इनके जो किसानों के प्रति कुछ किसान भी चले जाते हैं, सारे बैठक आयोजित होती होगी वहां पर भी, और बैठते हैं, बातें करते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो ठाकुर अनूप सिंह बोल देते हैं वहां पर कि जो किसानों पर जो कर लगाए गए हैं, किसानों के अधिकांश कर लगान माफ कर देंगे, माफ किए जाते हैं। यानी कि मैं आपसे एक शब्द बोल सकता हूं कि एक समझौता होता है अजमेर में, कहां पर एक समझौता हुआ, किस किस के मध्य? देखो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले ये आते हैं कि किस किस के मध्य होते हैं। ठाकुर था एक तो अनूप सिंह, ठाकुर अनूप सिंह, और ये समझौता हो वर्सेज राम नारायण चौधरी। देखो राम नारायण चौधरी में क्यों लिख रहा हूं, यहां पर कंफ्यूज समझना किस प्रकार से कंफ्यूज होगा। देखो समझौता होता है किसानों में, समझौता होता है क्योंकि ठाकुर अनूप सिंह को अजमेर बुला लेते हैं, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में ये सारा काम होता है, यानी कि प्रतिनिधित्व बनते हैं, विजय सिंह पथिक प्रतिनिधित्व करेंगे कि हाँ आप ऐसी समस्या को हल कीजिए, कुछ तो करें, नहीं तो वहां पर समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ठाकुर अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी के मध्य एक समझौता होता है कि हाँ मैं अधिकतर जो बोझ वाले कर हैं, जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ के किसान, उन करों को माफ कर देंगे। यानी कि अधिकतर मांगे किसानों की जो मांगे थी वो पर्चे में लिखी हुई थी, तो सारी मांगे ठाकुर अनूप सिंह के सामने पेश की जाती है, विजय सिंह पथिक भी देखते हैं, राम नारायण चौधरी भी देखते हैं। तो अधिकतर जो मांगे थी वो मंजूर कर लेते हैं ठाकुर अनूप सिंह, ठाकुर अनूप सिंह ने मंजूर कर ली। तो ये समझौता होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समझौता किस किस के मध्य होता। अगर ऑप्शन में ठाकुर अनूप सिंह, राम नारायण चौधरी हो तो बिल्कुल राइट है, अगर ऑप्शन में ऐसा भी हो ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ था तो ये भी बिल्कुल राइट है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ठाकुर अनूप सिंह और विजय सिंह पथिक के मध्य समझौता हुआ था तो ये भी बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि
राम नारायण चौधरी वर्सेस ठाकुर अनूप सिंह के मध्य, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूज होता है, पूरा उलझा पड़ा है, बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, पता ही नहीं चलता कि किस किसके मध्य नेतृत्व कर रहा है, समझौता कर रहा है। इसीलिए मैं आपको एक एक चरण के साथ, एक एक क्षण के साथ लेके चल रहा हूँ। कारण क्या है कि राम नारायण चौधरी किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, अब नेतृत्व करेंगे तो समझौता भी तो नेतृत्व आदमी करेगा, तो इसीलिए राम नारायण चौधरी लिखा देते हैं, बहुत से बुक में आपको लिखा मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ये लिखा नहीं हो और राजस्थान सेवा संघ लिखा हो तो भी राइट है, क्योंकि जाते कहाँ है, अजमेर जाते, कहाँ पर जाते, राजस्थान सेवा संघ में जाते हैं, तो राजस्थान सेवा संघ के ही मंत्री रहते हैं राम नारायण चौधरी, और उसी के मंत्री कौन रहते हैं, विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, ये सभी एक है, नेतृत्व कौन है, राम नारायण चौधरी। इसीलिए ठाकुर अनूप सिंह के साथ आप सारी चीजें याद रखें, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन में इस प्रकार से समझ लें, ठीक है। अब ये समझौता क्या होता है दोस्तों, फेल कर देंगे, कौन कर देंगे, जो अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी हॉलैंड है, जो विल्किंस है, जो पॉलिटिकल एजेंट है, जो एजीजी है हॉलैंड, ये इस रद्द कर देंगे। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपन ने बात करी समझौते तक कि अजमेर जाते ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता होता है, तो अधिकांश जो कर है वो माफ कर देते ठाकुर अनूप सिंह, यानी कि मान जाते। अब इसके बाद क्या एक्शन होगा वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी को, क्लास में मजा आया कि नहीं आया, सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही मजे के साथ पढ़ते रहिए, ऐसे ही शेयर करते रहिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए ताकि अपना ग्रुप जो है आगे बढ़ सके, ठीक है। दोस्तों सभी को गुड आफ्टरनून, धन्यवाद, राम राम।